अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का न्यू व्लॉग में। गाइस अभी मैं तोतों के पास ही ऊपर और लाइट वगैरह नहीं, अभी मैं लेके आया क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था इस वजह से। चुप कर बे कुत्ते। तो आज इनका जल्दी से करते हैं दाना पानी, आज इनको पहले डील करेंगे उसके बाद फिर बाहर जाएंगे, क्योंकि कल हमने कबूतरों को जल्दी बंद कर दिया था तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इनको थोड़ी देर बाहर हम छोड़ेंगे खुला, और आज मैं एक पेयर भी लेके आऊँ बहुत खूबसूरत, लेकिन वो हम रखेंगे नहीं पेयर को, वो हम दुकान पर ले जाएंगे। वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वो पेड़ लेके आऊँ, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है वो। तो अब इनका जल्दी से मैं दाना पानी कर लूँ, और ये हमारी मुर्गियों का दाना जिसमें क्या आप लोगों को पता है, और सॉफ्ट फूड इनको नहीं डालना। कल रात को मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं ऊपर नहीं आया, तो इनका दाना पानी ऐसे ही लगा हुआ है। तो अब जल्दी से इसको निकालते हैं, और देखो मैंने अपनी स्टिक भी फेंक दी है, इनकी स्टिक दोबारा लगाते हैं और इनको दाना पानी डाल के उसके बाद फिर चलते हैं बाहर अपनी मुर्गियों और कबूतरों के पास, फिर उनको डालते हैं दाना पानी। और जो चिड़ियाँ वो तो अच्छी तरह सेट हो गई हैं ऊपर वैसे, तो अब मैं इनको जल्दी से दाना पानी डाल लूँ, और इनका दाना भी आज साफ़ करना है, तो जल्दी से इनका मैं काम करूँ फिर आप लोगों को बाहर लेके जाता हूँ। तो गाइस इनका जो दाना वगैरह था वो तो इनका साफ़ हो गया, और पानी भी इनको मैंने डाल दिया सबको, और सॉफ्ट फूड जिस तरह आप लोग बता जिनको नहीं डालना था तो सॉफ्ट फूड हम डालेंगे कल। तो आज इनका जो दाना वगैरह मैंने साफ़ कर दिया और पानी भी इनको डाल दिया है, और ये हमारी चिड़ियों का पानी है, ये भी मैं निकाल के ले आया था। फिर हम अपने कबूतरों को छोड़ते हैं बाहर, कबूतरों को बाहर छोड़ने के बाद उसके बाद फिर हम मुर्गियों को डालते हैं दाना पानी और कबूतरों को। मैं बाहर आ चुका हूँ कबूतरों के पास, और कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं, और चिड़ियों का जो है पानी उनको लगा देते हैं, पहले इनको बाहर निकाल दें उसके बाद फिर इनको दाना भी डालते हैं। चलो चलो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ चलो। तो गाइस जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मैं पेड़ लेके आया वो पेड़ भी आप लोगों को दिखाता हूँ, इनको पहले बाहर छोड़ दिया है, और ये है वो पेड़। गाइस ये पेड़ चेक करो कितना खूबसूरत है, पेड़ ये वाला मेल है और वो फीमेल है, लेकिन इसको हम नहीं रख सकते यार आप लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि घर वालों ने हमें रखा हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो ना पेयर वो फीमेल है, और ये वाला मेरा जो बोल रहा है ये वाला, माशाल्लाह इसकी टेल देखो, इसके जो पर है ना वो नहीं कटे हुए, तो मैं इसलिए इनको बाहर नहीं निकाला, अगर इनके पर कटे होते ना तो इनको मैं बाहर निकालता जिस तरह हमने इनको निकाला हुआ, तो इनको जिस तरह हमने निकाला हुआ, तो इसलिए मैं इनको अभी बाहर नहीं निकाला, इनको केज में ही रखते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर पर वगैरह कट के बाहर निकलते हैं तो इनको फिर मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि पर काटने की इजाज़त नहीं ना मिली अभी, तो इसको अभी ऐसे ही देखो बहुत प्यारे पीस। तो अब हम इन कबूतरों को जल्दी से दाना वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे बाहर, फिर ये यहाँ पे दाना वगैरह खा लेंगे, और मुर्गियों को भी बाहर निकाल देते हैं, मुर्गियों को मैं बाहर निकालने लगा हूँ। चलो भाई चलो चलो चलो, हाँ डंडा भी देखो इन्होंने एक ही दिया, चलो खैर कोई नहीं, और चिड़ियाँ देखो हमारी उड़ियाँ इंजॉय कर लिया, चलो 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 भाई चलो। और पौधा शुक्र है ना सही तरह नहीं खाया ऊपर से, थोड़ा छोड़ दिया। तो हम जल्दी से बाहर चलते हैं, इससे पहले चिड़ियाँ हमारी बाहर आ जाएँ, तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं। गाइस इनका जो है था पानी में हमने इनको डाल दिया, और दाना इनके पास आया था, और घोंसले इन्होंने सही बना लिया अपना, तो अभी और इसको करेंगे मेंटेन। तो मैं सोच रहा हूँ एक और पेड़ ले आऊँ ताकि ये ज़रा और खुश हो जाएंगी, एक और पेड़ आ जाएगा ना तो ये ज़रा और खुश हो जाएंगी। तो दरख्त भी हमारा सही है वुड हो गया, तो अब हम जल्दी से बाहर चलते हैं, इनको दाना पानी डालते हैं। इनको मैंने पानी भी डाल दिया और दाना भी डाल दिया, सारे खाने लग गए। तो वो वाला पेड़ यार अभी कहीं चला ना जाए ना उड़ जाए, इस वजह से मैं उसको बाहर नहीं निकाला। इन दोनों को मैंने बाहर छोड़ दिया जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पर मैंने इनके थोड़े थोड़े काट दिए थे ताकि हमारे भी बाद में बिस्ती ना हो। तो ये देखो वो वाला पीस भी इसके पीछे आ गया, और ये देखो ये बगा रहा था हमारे पीछे ही पड़ा रहता, ये देखो। देखो गाइस कितना खूबसूरत पेड़ है, लेकिन अफसोस हम इसको नहीं रख सकते। देखो रेस लग गई इनमें बोलने की, वो खामोश खड़ा हुआ है जो उसके साथ का, इसने शोर डाला हुआ है। गाइस ये वाले केज जो है ना, यहाँ पे मैंने अभी सोचा है कि यहाँ पे हम रखेंगे कोई असील वगैरह का पेड़ रखेंगे, ताकि अगर हमने इनको यहाँ पे छत पर छोड़ना हुआ तो हमारे कबूतरों की हिफाजत वगैरह तो वो मुर्गा करेगा ना, ये लोग भी ना, लेकिन ये लोग ज़रा देसी हैं, तो हम यहाँ पे असील का पेड़ रखेंगे जो सही प्योर देसी होते हैं, उसको यहाँ पे एक पेड़ रखेंगे हम अच्छी नस्ल का। तो अभी इनको बाहर खाने पीने देते हैं,
और चिड़ियाँ भी हमारी सही हैं, देखो जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, क्योंकि हम नीचे चले गए कोई पता नहीं बिल्ली वगैरह आ जाए तो उससे अच्छा है इनकी केयर ज़रूरी है, तो इनको बंद कर जाते हैं। खाना वगैरह तो इन्होंने खा ही लिया, इनको बंद कर जाते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। इनको पहले बंद कर दिया ऐसे, हमने कबूतरों को बंद कर दिया और मुर्गियों को भी, तो मौला बख्श को इधर रख देते हैं। और ये वाला जो हमारा पेयर था, ये वाला, इन दोनों को हम ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि हम ये वाला पेड़ नहीं रख सकते, तो इस वजह से, क्योंकि ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही लाया था। तो ये दोनों पीस माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, खूबसूरत पीस है, लेकिन हम रखेंगे पेड़ वगैरह, क्योंकि यार मैं कबूतर इसलिए ज़्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि इन्हें आगे अंडे भी देने हैं, तो इतने कबूतर बहुत हैं, इससे ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इतने ठीक है। मुर्गियाँ रखेंगे हम। बस अब हम नीचे आ चुके हैं, ये हमारा कॉकटेल और ये हमारा कीकू। कीकू हमारा खा रहा था अमरूद, तो इसको हम ले आए हैं, इसको हमने तंग किया बेचारे को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन खैर कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तंग होना चाहिए बंदे को जिंदगी में, क्यों कीकू? इधर आओ, इधर आओ, ये हमारी बात नहीं सुनता, ये जिसकी बात सुनता है ना उसको मैं ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा, जिसकी ये बात सुनता है, जिसके साथ ये बातें करता है, फिर आप लोगों ने हैरान होना, ये वो वाला है ही नहीं जो पहले ब्लॉग में आता था और काटता था, ये वो है ही नहीं चीज़। और ये तो हमारा कीकू है, ये हमारी बात मानता है, देखो आ गया, लेकिन इसको हमने तंग किया, इसको बस यहाँ पे भागने की पड़ी थी, मैं ऊपर चला जाऊँ। ये देखो ये मुझे ऊपर कील लगा है ऊपर कबूतरों को पकड़ते हुए, चलो कोई नहीं। तो अब ये देखो ये ना काटता है, इसके पर वगैरह काटे हैं, इसको कल बाहर निकालेंगे, फिर इसको देखेंगे करता है क्या, इन दोनों को देख के क्या करता है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एंड, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फिर। Nigga wanna see me fall, Stephen Curry how I ball, Go Sugar Miss and a white